हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो सर्वप्रथम भारतीय नववर्ष 2079 की आप सभी लोगों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग आज आपको एक्सेल में गोल सीक बताने जा रहे हैं। गोल सीक का यूज़ क्या होता है और उसका हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। तो जब आपको यहाँ पर कोई एक सेल है और उसमें टारगेट बढ़ाना है या घटाना है, अपना मनपसंद टारगेट लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 8,000 है और मैं यहाँ वैल्यू लेना चाहता हूँ 20,000, तो मैं गोल सीक से कैसे लूंगा? जब आपको एक सेल के द्वारा कोई टारगेट प्राप्त करना है तो वहाँ हम गोल सीक का प्रयोग करते हैं। और अगर हमको जिस सेल में हम लोग बढ़ा रहे हैं वैल्यू और वो कई सेलों से एडजस्टमेंट होके आए, तो वहाँ पर हम सॉल्वर का प्रयोग करते हैं। अब दोनों का अंतर समझिए। गोल सीक का मतलब होता है जब हम एक सेल से टारगेट वैल्यू प्राप्त करते हैं, और सॉल्वर का प्रयोग होता है एक से अधिक सेल से जब हम टारगेट वैल्यू अचीव करते हैं। ये दोनों का अंतर होता है। अब हम दोनों का अंतर ही आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो समझिए यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर डाटा मेनू में जाके व्हाटइफ एनालिसिस पर जाएंगे, और व्हाटइफ एनालिसिस पर जाने के बाद गोल सीक पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर ये सेट सेल क्या है, यहाँ पर हम लोग सेट सेल सेट करेंगे जिस वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पेन की वैल्यू मैंने सेट करके रखी है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपये है, और उसका जो मेकिंग प्राइस है वो 4 रुपीज़ है। क्वांटिटी यहाँ पर 3,000 है, और उसकी जो वैल्यू बनने लगे कॉस्टिंग वो 10,000 है। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखी थी पहले ही कि मेरे को अगर यहाँ पर इस हिसाब से मैं इसको बेच रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे को 8,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। SP पे सेलिंग प्राइस 10 पे अगर मैं 3,000 पीस को बेचता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट जो होगी वो 8,000 रुपये होगी। अब इसमें क्या है कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मुझे 20,000 रुपये मिले, तो आप लोग यहाँ पर सेट सेल जो कर रहे हैं वहाँ फॉर्मूला वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और वैल्यू यहाँ पर दे देंगे 20,000 रुपये। और इसके बाद में जो चेंजिंग सेल है आप किससे चेंज करना चाहते हो, तो आपको या तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे। तो मैं बढ़ाता हूँ सेलिंग प्राइस। अब यहाँ कर देते हैं हम लोग ओके। और यहाँ पर ओके करने के बाद आप देखते हैं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है, अगर मैं 14 रुपये पर यूनिट उसको बेचूंगा तो यहाँ पर मुझे 20,000 रुपये मिल जाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्सेल में गोल सीक का प्रयोग कैसे करते हैं। डाटा मेनू में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक टूल है डाटा मेनू में, डाटा टूल में व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर है गोल सीक। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस ऑप्शन को हम लोग लिब्रे ऑफिस कैलसी में इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस पर, कैलसी पर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने एक कैलकुलेशन सीट बना के मैंने रखी है, जैसे कि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं टूल मेनू में। टूल मेनू के अंदर यहाँ पर देखिए, आप लोग दोनों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, गोल सीक एंड सॉल्वर। आप कह लीजिए इन दोनों का हम अंतर बताने वाले हैं, या आप कह लीजिए हम दोनों को ही समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोल सीक का यूज़ करते हैं कैलसी में। देखिए, फॉर्मूला सेल यहाँ पर स्पष्ट दे दिया, उसमें ये नहीं दिया था, यहाँ पर दे दिया फॉर्मूला सेल। आपकी फॉर्मूला सेल ये है, मैंने यहाँ टोटल लगा के रखा है, तो ये फॉर्मूला सेल हो गई। अब इसके बाद में बोला कि टारगेट सेल मतलब टारगेट वैल्यू, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपका 225 नंबर है ये यहाँ पर हो जाए 250। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल सेल, आप लोग वेरिएबल सेल में वो सेल रखेंगे जिसमें नंबर आपको एडजस्टमेंट करना है। तो मैं लेता हूँ इस सेल को, अब मैं करता हूँ यहाँ ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट मेरे को मिला, यहाँ पर देखिए 25 नंबर वो बढ़ गए जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर 225 से वो 250 हो गए। तो यहां पर हमने देखा कि हम लोग यहां पर गोल सीक का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर आगे, आप सीखिए अब कि हम सॉल्वर का यूज इसमें कैसे करेंगे। तो आप लोग टूल में जाएंगे और यहां पर सॉल्वर यहां से ओपन कर लेंगे आप लोग। अभी लोग देखिए, आप टारगेट सेल आपकी कौन सी है, तो ये है 225 वाली। ये देखो यहां पर आप क्लिक करना है टारगेट सेल को, ठीक है ना, ये देखो टारगेट सेल क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोग यहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो हमको यहाँ पर वैल्यू ऑफ पे कितना रिजल्ट चाहिए वो आपको यहाँ फिल कर देना है। तो मेरे को चाहिए यहाँ 300, यहाँ 225 है लेकिन मेरे को 300 चाहिए। मैं वही बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम एक से अधिक सेल में वैल्यू को एडजस्ट करके, वेरिएबल करके रिजल्ट प्राप्त करते हैं। गोल सीक में हम एक सेल में ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं वैल्यू का। अभी इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बाई चेंजिंग सेल, तो हमने ये तीन टारगेट सेल यहाँ पर 225 को ले लेते हैं, और यहाँ पर ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ, तो मेरे को यहाँ पर नंबर करने हैं 300। अभी यहाँ पर ये किस किस में आपको चेंज करना है, तो मैं इस तीनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। अभी इसके बाद में अब
यहाँ पर ये जो लिमिटिंग कंडीशन हैं, यहाँ मेरे को कंडीशन देनी है तीनों सेल की कि किस सेल में कितना नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा नंबर है वो 100 के बराबर रहे, मतलब 100 के बराबर रहे, 100 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल होता है वो 100 का ही होता है। इसके बाद में हम लोग दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। पहले इसमें सेल आपने सेलेक्ट कर लिया, देखो ये हम गलती कर रहे थे, यहाँ ये होता नहीं, इसको मेरे को सेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑपरेटर करना है, फिर वैल्यू डालनी है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा मेरे को सेलेक्ट करना है। अब इसमें क्या करें कि यहाँ पर इक्वल टू एंड लेस देन, मतलब लेस देन एंड इक्वल कितने के, 100 के, या तो ये 100 से छोटा रहे या फिर 100 के बराबर रहे। अब मेरे को थर्ड देना है यहाँ पर, ये मेरी जो वैल्यू है वो इंटीजर में होना चाहिए और यहाँ पे 100 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे पॉइंट वगैरह नहीं आनी चाहिए वैल्यू, मेरे को ये मतलब पूर्णांक में लेना है, ठीक है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पर टारगेट सेल वैल्यू सेट करी है, यहाँ पर 300 ले लिया है, यहाँ पर ही मैंने ये वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करी है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। अब इसको मैं करना है, ये वैल्यू इनपुट करने के बाद यहाँ पर केवल आप सिंपली से सॉल्व पर क्लिक करेंगे। देखो मित्रों याद रखना, यहाँ पर आप कुछ भी चेंजिंग कर देते हो तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। आप ऑपरेटर सही लगाइए, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू एंड यहाँ पर इंटीजर, ये सेम रखना है, आपको चेंज नहीं करना है। और यहाँ सॉल्व पर क्लिक कर दीजिए और आपका ये टारगेट वैल्यू अगर फॉर्मूला सही होगा तो वो तुरंत 15-20 सेकंड के अंदर निकाल के दे देगा, और अगर आपने फॉर्मूला गलत कर दिया है तो वो टाइम लगाएगा। तो देखो यहाँ पर उम्मीद है कि ये गलत ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम लग रहा है इसमें, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ गलत ही निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग गलती कर गए हम लोग। तो इसको स्टॉप कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ से इसको ओके करते हैं, यहाँ पर इसको रिस्टोर कर देते हैं। तो अभी हम एक बार देखते हैं गलती हम कहाँ करके गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टारगेट वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ दिया है, ये यहाँ पर ये दिया है, और ये सेल है, ये सेल है, और ये सेल है, तो सब कुछ सही है। लेकिन हम एक बार और दोबारा देखते हैं कि ये गलत कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर मित्रों एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि हमको मोटिवेट एक मिले, उत्साह मिले, और हम लोग आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आ गए। तो आप ही तो हो हमारे लिए जो बूस्ट करने वाले हो, एक लाइक आपका, जब एक लाइक आता है तो हमको बड़ी एनर्जी मिलती है, अरे हमारी वीडियो लाइक कर ली। और आप लोग अगर प्यार नहीं दोगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो सही नहीं करोगे, तो फिर हम मेहनत करना हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग चैनल में बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, इसको आगे बढ़ाइए। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, परमात्मा करे कि आप लोग एक वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो और फिर उसका रिजल्ट देखो। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट आज का, इसको हम ओके कर देंगे, यहाँ पर इसको हम लोग कीप रिजल्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 300 नंबर हमें मिल, हमने एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर मिला ली है, हमको टारगेट अचीव हो गया है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।